नाम रविंदर कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ यूपी से आया हूँ। यूपी से आए हैं, तो किस तरह से ये गीता महोत्सव एक हार्ड कॉपी से अलग है, आप कैसे इसको बताएंगे हमारे दर्शकों को एक बार, इसको एक ट्रायल के माध्यम से एक बार जैसे आप लोगों को दिखाते हैं उस तरह से एक बार जरूर दिखाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपको भी दिखाऊंगा सर। ये हमारी भागवत गीता है डिजिटल में, ये श्री श्री रविशंकर ने अपने होमा कंपनी में इसको डिजिटल रूप प्रदान किया है और हमें एक डिवाइस मिलती है जिसके सहारे से हम इसको भागवत गीता को सुन सकते हैं। जिन लोगों को मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि पूरा का पूरा फोकस डिजिटल माध्यम पे करके ताकि हमारे दर्शक इसको सही से समझ सके, सही से देख सके। और एक बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि हार्ड कॉपी के साथ साथ एक डिजिटल माध्यम से गीता को उतार देना एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी बात है। सर हमें बताएंगे जी? जी, ये भागवत गीता डिजिटल है और ये पूर्ण रूप से डिजिटल है। इसके हर पेज में, हर कॉपी में इसके सेंसर लगा हुआ है और ये सेंसर रीडर जो है आपको इस भागवत गीता को 14 भाषाओं में पढ़कर सुनाता है। हम आपको इसका डेमो दिखाते हैं। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, इस बटन को प्रेस करने से 3 से 4 सेकंड ये ऑन हो जाता है। यहाँ आप ईयरफोन के माध्यम से भी इसको सुन सकते हैं। अब देखिए जा, ये इसकी एक सुंदर सी आवाज़ आ रही है। इस भागवत गीता को जब हम खोलते हैं तो बहुत सुंदर सा चित्र आपके सामने होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, जिस भी चित्र पर आप इस डिवाइस को रखेंगे एक बहुत सुंदर सी आवाज़ उस चित्र के अकॉर्डिंग आपको आएगी। जैसे हमने यहाँ रखा है तो यहाँ से एक आवाज़ आएगी। इस तरह ये सभी चित्र जो हैं डिजिटल हैं, इन सभी चित्रों में सेंसर लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ शंख पर टच करते हैं तो शंख के साथ साथ यहाँ से अध्याय शुरू हो जाता है। आपको मिलता है भजन, 6 भजन मिलते हैं। अगर आप यहाँ कहीं टच करते हैं तो भजन चलेंगे। ये 4 आरती मिलती हैं, अगर आरती पर टच करेंगे तो आरती चलेगी। और इसके अलावा ये 4 आरती इसके अंदर रिकॉर्डेड भी हैं। आप चाहें तो इसको, इस बटन को प्रेस करके 4 आरती बिना भागवत गीता खोले भी चला सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको एक बात और, इसमें मेडिटेशन का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप सुबह के समय मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो इस मेडिटेशन वाले इस लोगों पर रखकर आप सुबह मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये जो 4 आइकन है इनके अभी हम आगे बताएंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में। ये संस्कृत का श्लोक है, अगर इस श्लोक को संस्कृत में पढ़ना है तो इस पर शंख पर टच करेंगे, ये आपको संस्कृत में सुनाएगा। इसके बाद अगर हम इसको हिंदी में टच करते हैं तो ये आपको ये हिंदी में बताएगा। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा है। अंग्रेजी में रूपांतरण के लिए हम अंग्रेजी पर टच करेंगे तो अब आपको ये अंग्रेजी में सुनाएगा। इसी श्लोक को यदि हमको म्यूजिकल अंदाज में सुनना है तो बांसुरी पर टच करेंगे, अब आपको ये म्यूजिकल अंदाज में सुनाएगा। इसी श्लोक का हिंदी में पूरा भावार्थ यानी इसको विस्तार से समझने के लिए इस मोर पंख पर टच करेंगे तो ये विस्तार से समझेंगे। सामने खड़ी पांडव सेना को देख उसका वर्णन सेनापति इसी प्रकार अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन के साथ सुनने के लिए अंग्रेजी के सामने बने हुए मोर पंख पर टच करेंगे तो अब ये अंग्रेजी को भी एक्सप्लेन करते हुए समझाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 3 भाषाओं को 6 तरीके से इस डिवाइस के माध्यम से सुना जा सकता है। इसके अलावा हमको मिलता है कि कार्ड, इस कार्ड में हमको 11 भाषाएं मिलती हैं जिसमें स्पेनिश, फ्रेंच, नेपाली, तमिल, तेलुगु, ओडिया, मराठी, गुजराती, कन्नड़। सपोज दैट आपका कोई मित्र आपका गुजराती है और वो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत नहीं पढ़ पा रहा है तो वो इसको गुजराती में टच करके गुजराती में इस श्लोक को सुन सकता है। यदि हम इसको हिंदी में टच करेंगे जलाशयों नी पानी थी भरायलो स्थल कोई सुसंगता न थी
गुजराती में बोल रहा है, गुजराती में समझाएगा। इस तरह यदि पूरी भागवत गीता को इन 14 भाषाओं में इस डिवाइस के माध्यम से सुना जा सकता है। इसके हर चित्र में सेंसर लगा हुआ है, कहीं भी अगर हम इसको चित्र पर भी प्रेस टच करते हैं तो चित्र के अकॉर्डिंग आवाज़ आएगी। ये देखिए, ये आराधना में बैठे हैं, इसकी आवाज़ आएगी। इस तरह ये ज्ञान और विज्ञान का अनूठा संगम हमें श्री श्री रविशंकर जी ने दिया है। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता या किसी भी कारण से पढ़ नहीं सकते, वो इस भागवत गीता को लेकर, भागवत गीता को सुनकर इस धर्म का लाभ कमा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ श्री श्री रविशंकर जी ने हमको एक संपूर्ण हनुमान, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, डिजिटल रूप में प्रदान किया है। इसमें भी आपको हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी का चरित्र, श्री रामचंद्र जी के बारे में, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड वगैरह, ये सब चीज़ आपको इस डिवाइस के माध्यम से आप सुन सकते हैं। संपूर्ण हनुमान 9 भाषाओं में है, भागवत गीता 14 भाषाओं में है, और इसका एक वर्जन है जो आपको 3 भाषाओं में मिलता है। ये भागवत गीता ये 3 भाषाओं में है, जो आपने अभी पहले देखी है वो 14 भाषाओं में थी, ये 3 भाषाओं में है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। इस डिवाइस के माध्यम से आप इन 3 भाषाओं को सुन सकते हैं। क्या ये जो आपने दिखाया है इसका कुछ बैटरी बैकअप, कुछ लाइफ, कुछ इस तरह से? जी बिल्कुल, इस जो ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, जो रीडर है, सेंसर रीडर, ये यहाँ से चार्ज हो जाता है। 1 घंटा चार्ज करने के बाद आप इससे 3 घंटे आप इससे सुन सकते हैं, 3 घंटे का बैटरी बैकअप है। इधर से आप ईयरफोन लगाकर भी सुन सकते हैं, और इसकी 1 साल की गारंटी आती है। 1 साल में यदि ख़राब होता है तो कंपनी आपको बदल कर देगी, और उसके बाद यदि ख़राब हो जाता है तो इसकी बैटरी या स्पीकर ये मोबाइल रिपेयर वाले आपको सही करा देंगे। और यदि आपने बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है ये आपका इंस्ट्रूमेंट, तो आप इसको नया भी ले सकते हैं। ये नया आपको लगभग 2500 रुपये के आसपास कंपनी को पे करना होगा, कंपनी आपके पास पहुंचा देगी। तो इसकी कीमत जो है 2500 रुपये है आपने जो? नहीं, ये डिवाइस की कीमत है सर 2500 रुपये। अगर भागवत गीता 3 भाषाओं में जो है इसकी कीमत की बात करें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत है लगभग 13000 रुपये, और यहाँ आपको मिलता है 9990 रुपये। इसी तरह से संपूर्ण हनुमान है, ये 9 भाषाओं में है। यदि आपको इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट से या किसी दूसरी साइट से लेते हैं तो ये भी आपको लगभग 13000 रुपये का मिलेगा, यहाँ आपको ये मिलेगा 9990 रुपये। और जो भागवत गीता आपकी 14 भाषाओं में है, इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट या किसी अन्य सोर्स के माध्यम से आप खरीदते हैं तो ये आपको 18000 रुपये का मिलेगा, और यहाँ मिलता है आपको 11200 रुपये। तो ये था गीता का डिजिटल माध्यम, और साथ में कुछ युवा भी इसको, क्योंकि युवा जब सुनते हैं तो अपने आप में ही कोई चीज़ बड़ी हो जाती है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? रवि। रवि जी, आपने, मैं जब से देख रहा हूँ कि इस पर एक्सप्लेन जब कर रहे थे, आप सुन रहे थे, तो एक हार्ड कॉपी के अलावा डिजिटल माध्यम में इसका आ जाना आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। ये जैसे कई जगह पर होती है कि भाषा नहीं सुन पाते, समझ नहीं आ पाती, गीता का ज्ञान नहीं हो पाता, उसी वजह से बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो पर्यटकों को, अगर युवाओं को अगर कोई चीज़ समझ में आ जाए तो अपने आप में ही इन चीज़ों का आधुनिकता में जाना होता है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें गीता महोत्सव में आपको देखने को मिलेंगी। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गीता महोत्सव में।